भैया जी गाड़ी। दोस्तों एक शानदार प्रीमियम गाड़ी लेने का सपना कौन नहीं देखता, लगभग सभी लोग। एक ऐसी गाड़ी सब लोग लेना चाहते हैं जो उनके स्टैंडर्ड को जस्टिफाई करे, सारे फीचर्स उनको मिल जाए, गाड़ी सेफ हो और एक ऐसे प्राइस टैग के साथ आ जाए जो वो अफोर्ड भी कर पाए। तो एक ऐसी ही गाड़ी आज आपके सामने खड़ी है और ये है किया की सेल्टॉस का एक्स लाइन। और सामने आप देख रहे हैं ये इसका डीजल वेरिएंट है, यानी 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक। इस गाड़ी की कीमत है 19,15,000 रुपए। आप इसमें पेट्रोल के लिए भी जा सकते हैं, जहां पर आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है 7 स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स के साथ। और ये गाड़ी आपको इतने फीचर्स ऑफर करती है ना, इतने फीचर्स से गाड़ी आपको ऑफर करती है, चाहे आप सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, आप कॉस्मेटिक फीचर्स देख लीजिए, आपके कन्वीनियंट के फीचर्स देख लीजिए, सब चीजें कि आप जितनी बड़ी चेकलिस्ट बना सकते हैं आप बना लीजिए। ये गाड़ी उन सभी फीचर्स को प्रॉपर तरीके से फुलफिल करने में 100% कैपेबल है। सामने जो आप देख रहे हैं एक ही कलर आपको एक्स लाइन में मिलता है, ग्रेफाइट मैट कलर, बहुत ही प्यारा कलर लगता है। डेफिनेटली गाड़ी रोड पर जब चलती है अपना एक अलग ही अपीयरेंस देती है। वन बाय वन सब चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले तो आप हेडलैम्प सेक्शन को देख लीजिए, ये जो आपको यहाँ पर इसके DRLs मिलते हैं ना, ये DRLs जो इसके आधे हुड तक आते हैं इस साइड से और आधे हुड तक आते हैं उस साइड से, ये जलते हुए बहुत ही अल्टीमेट सा लुक जो है वो आपको देते हैं। प्रॉपर LED का सेटअप आपको यहाँ पर मिलता है, यानी व्हाइट लाइट थ्रो होती है, कमाल का थ्रो जो है वो भी आपको मिलता है। टर्न इंडिकेटर्स अभी आपके सामने जल रहे हैं, प्रॉपर LED बेस है। नीचे आपको आइस क्यूब शेप के यहाँ पर फॉग लैंप्स मिल जाते हैं और साइड में इसके पियानो फिनिशिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। नीचे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पियानो यहाँ पर आपको स्किड प्लेट दी गई है, जिसके ऊपर ऑरेंज कलर के यहाँ पर जो एक्सेंट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। फ्रंट बम्पर के ऊपर आपको इसके 4 पार्किंग सेंसर्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं और सामने आपको मिलता है 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा की प्लेसमेंट। वही किया की सिग्नेचर टाइगर नोज स्टाइल ग्रिल है, लेकिन इसके ऊपर भी आपको थोड़ा बहुत मैट अपीयरेंस जो है वो देखने के लिए मिलेगा। हुड के ऊपर अच्छी क्रीजेस है दोनों साइड्स में, किया का लोगो जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आप आ जाइए जरा एक बार गाड़ी की साइड प्रोफाइल में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक है, तो यहाँ पर आपको ऑटो की बैजिंग देखने के लिए मिलेगी। फेंडर के ऊपर क्लाइडिंग्स हैं, यहाँ पर साइड में भी क्लाइडिंग्स के ऊपर आपको इसके जो ऑरेंज कलर का अपील है ना, एक आपका एक्स लाइन वाला, वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। इधर आपको 18 इंच के यहाँ पर आपको मिल जाते हैं क्रिस्टल कट इसके अलॉय व्हील्स, प्यारे लगते हैं। यहाँ पर भी आपको सामने किया का लोगो, वही ऑरेंज कलर के एक्सेंट्स, चारों ही व्हील में आपको इसके डिस्क ब्रेक मिलती है, ऑल 4 व्हील में डिस्क ब्रेक है। गाड़ी आपको 6 एयरबैग ऑफर करती है, ABS विद EVD, 2610 mm का ये गाड़ी आपको व्हील बेस ऑफर करती है, यानी स्पेस के मामले में कैबिन में आपको एक अच्छा स्पेस मिलेगा, उससे रिलेटेड कोई इशू नहीं है। ORVM अगर आप देखेंगे प्रॉपर पियानो फिनिशिंग के साथ है, 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा आपको यहाँ पर मिल जाता है, LED बेस्ड टर्न इंडिकेटर, ए पिलर जो है वो आपका प्रॉपर ग्लॉसी फिनिश के साथ रहेगा। और यहाँ पर अगर आप विंडो के नीचे प्रॉपर गार्निश देखेंगे तो ऑल ओवर ये गार्निश जो है वो आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ मिलेगी। डोर हैंडल्स भी आपको क्रोम के साथ मिल जाते हैं, ऊपर आपको रूफरल्स मिलती हैं, डेफिनेटली आपको सनरूफ जो है वो भी इस वेरियंट में देखने के लिए मिल जाता है। और उसके बाद आप आइए जरा एक बार गाड़ी की रेयर प्रोफाइल में। रेयर प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखती है एक्स लाइन की बैजिंग, अपील अच्छा लगता है गाड़ी का डेफिनेटली। टेल लैंप्स बहुत सुंदर लगते हैं, प्रॉपर LED में है, टर्न इंडिकेटर है, रिफ्लेक्टर्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। और अगर आप इधर स्विच होते हैं तो यहाँ से आप देखिए शार्कफिन एंटीना आपको मिलता है, वो भी ग्लॉसी फिनिश के साथ। ये स्पॉइलर के ऊपर भी ग्लॉसी फिनिश आपको देखने के लिए मिलेगा, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, वॉशर बहुत ही नीट तरीके से इसके अंदर इंटीग्रेट किया गया है, वाइपर की प्लेसमेंट, डिफॉगर्स, किया का लोगो आपको यहाँ पर पीछे मिल जाएगा। ये प्रॉपर जो आप देख रहे हैं इसकी टेल गेट के ऊपर गार्निश, ये ग्लॉसी फिनिश के साथ है। इधर आपको सेल्टस की जो ब्रांडिंग है वो, रियर व्यू कैमरा, पीछे भी आपको बम्पर के ऊपर टोटल 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। यहाँ पर आप जो इसकी स्किड प्लेट देख रहे हैं पीछे भी मफलर स्टाइल यहाँ पर आपको मिलेगा, 4 पार्किंग सेंसर्स है, ग्लॉसी फिनिश है, ऑरेंज कलर का अपील आपको यहाँ भी मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप अंडरबॉडी देखेंगे तो ये इसका एग्जॉस्ट टेल पाइप है, नीट है, खाली अंडरबॉडी भी आपको ऐसा कोई इशू जो है वो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस भी है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सही मायने में आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस का जो आइडिया है वो भी लग जाता है। इधर आपको मिलता है इसका फ्यूल फिलिंग कैप, और ये जो टैंक है इसकी कैपेसिटी रहेगी 50 लीटर की। एक बार ज़रा इस गाड़ी का बूट जो है ना वो मैं अनलॉक करता हूँ। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये है इस गाड़ी का बूट स्पेस, 433 लीटर का बूट स्पेस जो है वो आपको मिल जाता है। और यहाँ नीचे आपको मिलेगा इसमें स्पेयर व्हील,
ये नॉर्मल स्टील व्हील है और 17 इंच का जो स्पेयर व्हील है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। टूल किट वगैरह भी यहीं पर प्लेस्ड है। एक सबवूफर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिलेगी। पार्सल ट्रे आपको यहाँ पर प्रॉपर दी गई है। ऊपर ये हार्ड प्लास्टिक है, ग्रैब एंड डील इमरजेंसी एग्जिट के लिए जो है वो भी आपको यहाँ पर एक्सेस देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात आती है चाबी की कि इंटीरियर में जब आप आते हैं तो आपको चाहिए चाबी, तो रिक्वेस्ट सेंसर डेफिनेटली आपको कीलेस एंट्री के लिए मिलेगा। चाबी अगर आपको दिखाऊंगा तो ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आपको चार कंट्रोल्स मिलते हैं। गाड़ी को आप लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, इसे होल्ड करेंगे तो बूट जो है वो आपकी अनलॉक हो जाएगी, और अगर आप इसे होल्ड कर रखेंगे तो यहाँ से जो आपकी गाड़ी का इंजन है ना, वो इंजन यहाँ से ही आप इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं। स्टार्ट होने के बाद अगर आपको इंजन, अभी ये गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो चुका है, बंद करना है, आप दोबारा से एक बार इसको प्रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो बंद हो जाएगा। फिलहाल हमको गाड़ी के अंदर जाना है तो यहाँ से आप आ जाइए और ये देखिए आप गाड़ी की थीम। थीम यहाँ पर किया ने बहुत सोच समझकर एक प्रीमियम बहुत ही सॉर्टेड सी थीम आपको गाड़ी के अंदर मिलती है। डैशबोर्ड ऑलमोस्ट आपको ब्लैक मिलेगा, थोड़े थोड़े यहाँ पर सिल्वर के एक्सेंट्स आपको स्टेयरिंग पर सेंटर पे यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं, एसी वेंट्स के साइड में देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर आप सीट्स की बात करेंगे या फिर आप यहाँ पर डोर ट्रिम की बात करेंगे पैड की, तो यहाँ पर आपको इंडिकोपियर थीम जो है वो देखने के लिए मिलेगी। लेदर रेटेड सीट्स हैं, हनीकॉम स्टाइल के साथ आपको यहाँ पर डिज़ाइन जो है वो देखने के लिए मिलता है। आगे की दोनों ही सीट्स आपको वेंटिलेटेड भी दी गई हैं। ये 8-way एडजस्टेबल आपको ड्राइवर साइड की सीट देखने के लिए मिल जाती है। म्यूजिक सिस्टम की जो हम बात कर रहे थे, म्यूजिक सिस्टम इसमें नॉर्मल नहीं है, प्रॉपर बॉस का आपको म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, जिसमें आपको 4 स्पीकर दिए गए हैं। दोनों ही दरवाजों पर है, आगे भी पीछे भी 4 स्पीकर हो गए, 2 ट्विटर्स आगे वाले दोनों दरवाजों पर, एक सबवूफर वो सामने आपको देखने के लिए मिलेगा, और एक सबवूफर जो हमने अभी आप पीछे आपको बूट में दिखाया वो रहने वाला है। डोर ट्रिम यहाँ पर भी सेम आपको प्रॉपर जो है वो लेदर रेटेड मिलने वाला है पार्ट। ये ब्लू कलर यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका, इंडिको पर्ल जिसको किया कहता है, ऊपर भी सॉफ्ट टच है, यहाँ पर भी सॉफ्ट टच है। ये आपको प्रॉपर पियानो फिनिश, ये सिल्वर कलर से आपको यहाँ पर डोर लीवर पावर, यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे इस ORVM से रिलेटेड। आप इसे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं, फोल्ड भी कर सकते हैं, चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल है। एक अच्छे साइज का बॉटल होल्डर है आपके पास, एक अच्छे साइज का आपके पास मैप पॉकेट जो है वो रहने वाला है। अब चलते हैं जरा गाड़ी के अंदर, पहले आपको ये कंट्रोल्स दिखाता हूँ। इंजन स्टार्ट ऑफ बटन, ट्रैक्शन अगर आपको बंद करना है उसके लिए बटन दिया गया है। HUD या हेड्स अप आपको डिस्प्ले मिल जाती है 8 इंच की प्रॉपर, अभी उसकी बात करेंगे। ब्राइटनेस आपको कैबिन में कैसी रखनी है, क्लस्टर वगैरह की, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, और हेडलाइट लेवलर आपके पास है। अब आप आइए जरा एक बार गाड़ी के अंदर। अब इंटीरियर में आपको सेल्टॉस या X-Line क्या कुछ ऑफर करती है वो आपको 1x1 बताता हूँ। गाड़ी फीचर लोडेड है डेफिनेटली। सबसे पहली चीज तो ये जो आप इसका सामने प्रॉपर कंसोल देख रहे हैं ना, 10.25 इंचेस का यहाँ आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रॉपर मिलता है। यहाँ पर आपको क्लस्टर प्रॉपर देखने के लिए मिलेगा, HUD आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। ओवरऑल कैबिन में बैठ के आपको एक प्रीमियम फील डेफिनेटली आता है। ये ऊपर सब हार्ड प्लास्टिक आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको जो है वो सॉफ्ट टच दिया गया, ये ब्लैक लेदर का यहाँ पर यूज किया गया, अच्छी फिनिशिंग है। पैनल को जिस हिसाब से बिठाया गया है उससे रिलेटेड शायद ही आप में से किसी को भी यहां पर कोई भी शिकायत हो। एक बार इग्निशन ऑन करते ही सामने आप देख सकते हैं कैसी एनिमेशंस आपको देखने के लिए मिल जाती हैं यहां क्लस्टर के ऊपर, और अगर आप इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करेंगे तो वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्लस्टर की बात करते हैं। एनालॉग बेस आपके पास यहां पर टैकोमीटर है, कूलेंट टेम्परेचर है, गाड़ी आपकी किस मोड में है, पी रिवर्स या फिर न्यूट्रल ड्राइव, वो आपको यहां पर डिजिटल विजिबल होगा। रेंज गाड़ी कितना कवर करेगी, ड्राइव इन्फोस, टेम्परेचर, टोटल ऑडोमीटर्स, डिजिटल स्पीड आपको मिल रही है। इधर आपको एनालॉग बेस भी स्पीडोमीटर मिलेगा और फ्यूल गेज भी। ऊपर कुछ वार्निंग लाइट्स हैं, इसको आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। सारा एक्सेस आपको यहां पर मिलेगा, यहां पर आपको कंपास विजिबल हो जाएगा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद अगर आप यहां पर कोई भी अपनी गाड़ी से रिलेटेड आपको इन्फो चाहिए तो वो भी आपको यहां पर सब विजिबल होती है। क्रूज कंट्रोल का सेटअप भी आपके पास यहीं पर रहने वाला है, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये कंट्रोल्स आपके 10.25 इंचेस के इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम डेफिनेटली बढ़िया काम करता है, इससे रिलेटेड भी कोई शिकायत नहीं है। यहां पर आपको कुछ शॉर्टकट्स जो है वो देखने के लिए मिलेंगे, ये टच बेस्ड शॉर्टकट ही है। साइड में प्रॉपर ग्लॉसी फिनिश आपको मिल जाती है। व्हीकल से रिलेटेड आपके यहाँ पर आपको इनबिल्ट नेविगेशन मिलता है, तो नेविगेशन आपके पास है। डिस्प्ले, साउंड, वॉइस रिकॉग्निशन, किया कनेक्ट सेटिंग, अगर आप यहाँ पर हेलो किया का कमांड देते हैं
तो यहाँ पर आपको वेकअप जो है वो डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाता है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दी गई है वॉइस कमांड से रिलेटेड। आप इसे प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए आप रीअरेंज कर सकते हैं सारी चीजों को। और अगर आप इसके होम स्क्रीन पर आते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक नेविगेशन है, आप किस मोड में है, यहाँ पर आपको मैप वगैरह या फिर आपका जो भी आपका कंपास है वो चीजें आपको यहाँ पर विजिबल होती है। एसी वेंट्स, हैजार्ड लैंप का स्विच आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ आपको प्रॉपर क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप मिलेगा, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल डेफिनेटली आपके पास यहाँ पर रहने वाला है, बहुत बढ़िया कूलिंग वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिलती है, उससे रिलेटेड कोई शिकायत नहीं। नीचे अगर आप यहाँ पर स्विच होते हैं तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है एक वायरलेस चार्जिंग के लिए आपको पैड यहाँ पर दिया गया है, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, यूएसबी पोर्ट है। इधर अगर आप देखेंगे तो एक आपके पास यहाँ पर यूएसबी टाइप फास्ट चार्जिंग पोर्ट है, थोड़ा स्टोरेज स्पेस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको मिलते हैं ड्राइव और ट्रैक्शन से रिलेटेड मोड्स, तीन इसमें ड्राइव मोड है और तीन ट्रैक्शन मोड है। यहाँ पर जब आप इस रोटर डायल को यूज करेंगे, अब आप यहाँ पर देखिए नॉर्मल मोड में अगर आप स्विच हो गए, स्नो मोड अभी मैं आ रहा हूं, एक मिनट, यहाँ पर हाँ नॉर्मल मोड में अभी आप हैं, इको मोड में आप जा सकते हैं और आप स्पोर्ट्स मोड में जा सकते हैं। जब भी आप मोड चेंज करेंगे सामने आपको यहाँ पर कुछ एनिमेशन में भी चेंजेस जो है वो दिख जाएंगे। फिर अगर मैं ट्रैक्शन की बात करूं तो आपके पास वहां पर भी तीन मोड है, आप स्नो मोड में जा सकते हैं, मड मोड में जा सकते हैं और सैंड मोड में जा सकते हैं। तो ये एक काफी अच्छा फीचर है सेगमेंट में, ये इकलौती गाड़ी है जो आपको ऐसा फीचर फिलहाल ऑफर करती है। आगे की दोनों सीटें वेंटिलेटेड जैसे मैंने आपको बताया था वो आपको कंट्रोल्स यहां पर मिलेंगे। पार्किंग चाइम अगर आपने आगे फ्रंट वाले सेंसर्स की ऑफ करनी है तो वो आप कर सकते हैं। यहां पर आपके पास 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, अगर आप पेट्रोल वेरिएंट के साथ जाते हैं 1.5 पेट्रोल तो आपके पास 7-speed डीसीटी आएगा। तो यहां पर गियर नॉब वगैरह जो है बढ़िया आपको प्रीमियम मिलता है, लेदर है ऊपर, प्रॉपर सॉफ्ट टच, काफी अच्छा ओवरऑल यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। दो कप होल्डर्स आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये जो आप आर्मरेस्ट देख रहे हैं, इस आर्मरेस्ट के अंदर आपका जो है वो प्रॉपर प्योरीफायर यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। थोड़ी बहुत आपको अभी आवाज भी आ रही होगी, तो ये काफी अच्छा प्योरीफायर है, काफी बढ़िया काम करता है, इन वायरस वगैरह और बैक्टीरिया से रिलेटेड आपको यहाँ पर जो है उसको किल भी करता है। साथ में ही आपको इसमें परफ्यूम डिफ्यूजर जो है वो भी देखने के लिए मिलता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर ग्लोव बॉक्स की, तो ये कंपार्टमेंट भी आपके सामने है। हालांकि यहाँ पर आप एक चीज मिस करेंगे कि यहाँ पर आपको कोई भी कूल्ड ग्लोव बॉक्स या फिर एल्यूमिनेशन जो है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। ऊपर आते हैं, यहाँ पर आपको एक वैनिटी मिरर प्रॉपर देखने के लिए मिल जाता है। इधर सेंटर में आपको सनग्लास होल्डर देखने के लिए मिलेगा। एलईडी बेस आपके पास कैबिन लाइट्स रहने वाली है। यहाँ आपके पास एक सनरूफ है, ये साइज है इस सनरूफ का, और इलेक्ट्रिकली डेफिनेटली आप वन टच में इसे ओपन और क्लोज दोनों कर सकते हैं। कर्टन जो है वो आपको अपने हाथ से ही मैनेज करना पड़ेगा, ये क्लोज नहीं होगा। IRVM आपको यहाँ पर मिलेगा, जहां पर आपको किया कनेक्ट का फीचर भी देखने के लिए मिल जाता है, अच्छी विजिबिलिटी भी देता है, एज वेल एज रोड साइड असिस्टेंस जो है वो आपको मिल जाता है, ऑटो डिमिंग IRVM आपको यहाँ पर मिलता है। तो ये अपने आप में काफी अच्छी चीज है। और यहाँ पर अगर मैंने आपको नहीं बताया तो अब ये देखिए, यहाँ पर आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स के कंट्रोल्स मिलते हैं, वाइपर के कंट्रोल है, रेन सेंसिंग वाइपर का फीचर आपके पास है, और इधर आपके पास हेडलैम्प के कंट्रोल है। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर कंट्रोल्स मिल जाते हैं ऑटो हेडलैम्प के। स्टेयरिंग व्हील के ऊपर यहाँ पर नीचे आपको सेल्टॉस का लोगो देखने के लिए मिलेगा, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग है, प्रॉपर लेदर रैप है, 3-spoke स्टेयरिंग व्हील, सेंटर में आपको यहाँ पर हॉर्न पैड के ऊपर किया का लोगो, एयरबैग जो है वो मेंशन किया गया है। इस वेरिएंट में टोटल आपको 6 एयरबैग मिलते हैं। स्टेयरिंग में अगर हम एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही तरीके का एडजस्टमेंट आपके पास है, और ऑटोमेटिक गाड़ी है तो यहाँ पर आपको जो है वो पेडल शिफ्टर भी देखने के लिए मिलते हैं। कैबिन में तो गाड़ी बहुत ही प्रीमियम है, इतने फीचर्स ये गाड़ी आपको ऑफर करती है ना, चाहे आप सेफ्टी की बात करिए, चाहे आप वैसे कॉस्मेटिक चीजों की बात कर लीजिए, ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इतने फीचर्स देता है कि अगर मैं बताऊंगा तो आपको प्रॉपर इसी को बताते बताते पूरा टाइम निकल जाएगा। फुल स्क्रीन में अगर आपको मैप वगैरह यहाँ पर विजिबल करना है वो सारी चीजें आप कर सकते हैं, मीडिया अपने हिसाब से अगर आपको इसमें कुछ सेटअप करना है तो वो सारी चीजें, अगर आप इसे ऑफ करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल आपका जो है वो ऑफ भी हो जाएगा। और एक चीज, इसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती है, तो उससे रिलेटेड यानी कनेक्टिविटी से रिलेटेड भी आपको कोई इशू इस गाड़ी में नहीं होने वाला। यहाँ पर स्पेस की अगर हम बात करेंगे तो स्पेस भी डेफिनेटली काफी बढ़िया आपको मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अंडर थाई सपोर्ट वगैरह जो है वो काफी अच्छा है, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। और प्रीमियमनेस गाड़ी का आपको यहीं से पता चल जाएगा जब आप इसका ओवरऑल कैबिन देखेंगे, एक अच्छा कॉकपिट जो है वो आपको किया ऑफर करता है, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर डेफिनेटली कोई शिकायत नहीं है। ड्राइवर साइड में आपको जो है वाइजर के ऊपर सिर्फ मिलता है टिकट होल्डर। अब एक बार जरा पीछे चलते हैं और सेकंड रो में वहां पर आपको क्या कुछ मिलता है उसकी बात करते हैं। एक बार इग्निशन यहां से बंद कर देते हैं और यहां से हम स्विच होते हैं जरा इस गाड़ी की सेकंड रो में। सेकंड रो में सबसे बढ़िया चीज जो मैं आपको दिखाऊं, यहां से आप देख सकते हैं
प्रॉपर सनब्लाइंड जो है वो आपको रेयर वाली सीट्स में देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ भी आपको सब सॉफ्ट टच दिया गया है, स्पीकर की प्लेसमेंट है, यहाँ पर भी आपको प्रॉपर बॉस का जो है वो लेबल आपको मिल जाएगा, बॉटल होल्डर, अच्छे साइज का मैप पॉकेट, इधर जो है आपके पास पावर विंडो का कंट्रोल रहने वाला है, सीटें यहाँ पर भी आपको बढ़िया देखने के लिए मिलेंगी, तीन हेडरेस्ट आपको मिलते हैं, तीनों एडजस्टेबल है। एक चीज आप मिस करेंगे यार, इतनी प्रीमियम गाड़ी और इतने पैसे सेंटर पैसेंजर के लिए लैप बेल्ट, ये चीज थोड़ा सा अजीब जरूर है। साइड वालों के लिए तो प्रॉपर थ्री पॉइंटेड है, लेकिन सेंटर वाले के लिए लैप बेल्ट है। 60-40 का स्प्लिट रेशियो है, आर्मरेस्ट है विद कप होल्डर, तीनों हेडरेस्ट आपको यहाँ पर एडजस्टेबल मिलते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रेयर में आपको एसी वेंट्स मिलेंगे, एक आपको फास्ट चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, यूएसबी टाइप, फोन रखने के लिए जगह है। गाड़ी स्पेस के मामले में काफी अच्छी है, हमने पहले ही सेल्टॉस देखी है, तो वो शायद बार बार अब उसी स्पेस को रिपीट करने का मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है। पीछे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टील में आपको स्क्रफ प्लेट जो है वो मिल जाती है, सेल्टॉस यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया है। और आगे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर स्क्रफ प्लेट जो है वो आपको यहाँ पर भी ऑफर की गई है। अब एक बार जरा गाड़ी का हुड मैं यहाँ से खोल लेता हूँ और फिर हम बात करते हैं कि गाड़ी आपको इंजन के मामले में क्या कुछ ऑफर करती है और गाड़ी का जो इंजन है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो यहाँ से आप आ जाइए और ये है सेल्टॉस एक्स लाइन का इंजन बे। सामने जो आप देख रहे हैं ये 1.5 लीटर का इसका 4 सिलेंडर CRDI डीजल इंजन है, काफ़ी बढ़िया इंजन है, काफ़ी रिलायबल इंजन है, हुंडई में भी सेम इंजन ही आप देखते हैं। ये जनरेट करता है 115 BHP की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। किया इस गाड़ी के साथ, इस इंजन के साथ क्लेम करती है 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, बट आप वही मान के चलिए लगभग 15-16 का माइलेज आप इस गाड़ी से इजिली ले सकते हैं। डीजल इंजन में भाई साहब इंजन भी आपको प्रॉपर भरा भरा ही मिलता है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इजिली विजिबल हो जाएंगी। ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिलेगी, फायरवॉल के ऊपर भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन जो है वो देखने के लिए मिल जाती है। अब एक बार जरा इसको करते हैं क्लोज और यहाँ से आप देखिए जरा गाड़ी की प्रॉपर प्रोफाइल। गाड़ी प्रोफाइल के मामले में भाई साहब बहुत ही सॉलिड है, कसम से बहुत अच्छा अपील डेफिनेटली सेल्टॉस अपना रखती है। आप चाहे इसके ग्रिल की बात करिए, ये जो इसका हेडलैम्प्स का सेटअप है आप उसकी बात कर लीजिए, ये एक्स लाइन है तो ये ऑरेंज कलर के जो इसके एक्सेंट्स हैं वो भी देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। सेफ्टी की अगर हम बात करें तो सेफ्टी के मामले में गाड़ी आपको 6 एयरबैग ऑफर करती है, चारों ही व्हील में आपको डिस्क ब्रेक्स जो है वो भी ऑफर करती है, ABS विद EBD आपको इसमें मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आपको इसमें मिलता है, साथ में ही व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ब्रेक असिस्ट, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको यहाँ पर सेफ्टी के हिसाब से भी मिल जाते हैं। गाड़ी का ये मैट जो आप कलर देख रहे हैं सामने बहुत प्यारा लगता है, बड़ा ऑसम सा लुक देता है। ORVMs बहुत ही इसके प्यारे LED बेस, इसमें टर्न इंडिकेटर, 360 डिग्री कैमरा, हर चीज़ आपको यहाँ पर जो है वो बिल्कुल अप टू द मार्क मिलती है। यानी अगर आपका एक ऐसा ड्रीम है कि मुझे एक ऐसी गाड़ी लेनी है जो आपके स्टेटस को प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई करे, फीचर लोडेड हो, बॉडी में अगर आप बैठते हैं तो आपको प्रॉपर मज़ा आए, आपको एक क्लास फील हो, तो ये एक्स लाइन डेफिनेटली आपके ही लिए बनी है। गाड़ी में पैसे बहुत डलते हैं भाई साहब, 19,15,000 रुपये एक्स शोरूम में मायने रखते हैं, बहुत मोटी रकम है, लेकिन जिस हिसाब से गाड़ी को प्रॉपर तरीके से अगर आप देखेंगे, जितने फीचर्स ये गाड़ी आपको ऑफर करती है, जो एक रिलायबल इंजन आपको मिलता है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, धन्यवाद।